अब हम पहुंचे हैं लुधियाना के लक्कड़ बाजार में ये जानने के लिए कि बंद की जो कॉल बुलाई गई है किसानों की तरफ से कृषि ऑर्डिनेंस को लेकर, तो इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या क्या कुछ कामकाज पर इनके असर पड़ रहा है? सर, किसानों की तरफ से जो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, बंद का क्या कुछ असर है आपके काम? इधर तो ये इतना नहीं है, तो काट ही है। काम काज चली जा रहा है, माड़ा माड़ा मोटा ही है, कोई नहीं जानती, मार्केट तो है कहीं नहीं खुली। पुलिस की तरफ से कुछ हिदायतें जारी की गई हैं, कुछ कहा? इधर तो जी कोई पहला आए थे, फिर जाने उन्होंने क्या नहीं कुछ भी कहे, जो आदमी आता जाता। जो बंद की कॉल बुलाई गई उसका असर है? हाँ, बहुत बुरा असर है। यहाँ आप देख रहे हो तकरीबन दुकानें बंद है, वैसे तो 2 बजे तक बंद की कॉल थी, वो पूरा हो गया जाम जो लगाया था उन्होंने अकाली दल वालों, बहुत बढ़िया रहा प्रदर्शन उनका, और केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत उन्होंने जमकर आलोचना की है कि जो मोदी है देश को बेच रहा है, अंबानी और अडानी के हाथों में बेच रहा है, जो बहुत गलत बात है। जो किसान जिनके सिर के ऊपर ये राज कर रहे हैं, अगर किसान ना होते तो ये देश ना होता। किसानों ने इनको आत्मनिर्भर बनाया है, इन्हें इतनी फसल पैदा की कि बाहरले मुल्कों को भी दी, और आज ये किसानों के ऊपर ऐसा कर रहा है, उनको बेच रहा है किसानों को उनके हाथों में, बहुत गलत बात है, जिसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा मोदी को। और ये चंद दिनों का मेहमान है, इसका हाल भी इंदिरा गांधी जैसा ही होगा। ये किसानों की तरफ से ऐसा भी सुनने में आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि ये सियासी रोटी भी कहीं ना कहीं से की जा रही है। ये मोदी की चाल है, ये मोदी ये 5-4 लोगों के बीच में बिक गया है, जो अंबानी अडानी वगैरह कॉर्पोरेट ग्रुप है ना, ये उनको देश बेच रहा है। जैसे जो अंग्रेजों के हाथ में बेच दिया था ना उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऐसे ही इस देश का हाल होगा, और बहुत माड़ा हाल होगा। इसका जिम्मेवार खुद मोदी और उनके जो साथी हैं वो हो गए। लक्कड़ बाजार में बंद का क्या असर दिखाई दिया? ठीक है जी, ठीक है। बीच में पुलिस के तरफ से कोई हिदायतें आई आपको? कुछ नहीं आई, काम चल ही जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बस वो। मार्केट में बंद का क्या असर दिखाई दिया आज? जी? मार्केट में बंद का क्या असर दिखाई दिया आज? बंद का कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं, काम काज चली जा रहा था। ग्राहक भी? हाँ जी, हाँ जी, ग्राहक भी हैं। हाँ, ग्राहक कम है, ग्राहक कम है, काम काज लेकिन चली जा रहा है। हाँ, काम काज ऐसा ही है बस। किसानों की तरफ से ये जो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान के बारे में तो हम उसके साथ ही हैं, हाँ जी, उनके साथ हैं, उसका हम समर्थन हम कर रहे हैं, लेकिन जो ये जो मार्केट में है वो सबके साथ ही हैं। क्या असर दिखाई दिया? बढ़िया, यहाँ पर कोई बंद का कोई खास असर नहीं है। खास असर नहीं दिखाई दिया, ठीक ठीक ठाक। जो किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो देखो, उनका माजरा है, वो समझें क्या है, वो मार्केट वाले बंदे समझें, उनके यूनियन वाले समझें क्या अच्छा क्या बुरा है। कई मार्केट बंद है और वो कहते हैं कि भाईचारे के तौर पर समर्थन देने के लिए बंद किया गया है, तो क्या आप उसके हक में हैं? ऐसा होना चाहिए कि किसानों को समर्थन देने के लिए दुकानें बंद होनी चाहिए या ऐसा कुछ? देखो, अगर किसान अपना उसमें समझते हैं कि हमारा फायदा है, तो उनका समर्थन जरूर करना चाहिए। हम पहुंचे थे लुधियाना के लक्कड़ बाज़ार में मौजूदा हालात को जानने के लिए, और कुछ दुकानदारों से, व्यापारियों से, शॉपकीपर से हमने बातचीत करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि मौजूदा हालात क्या कह रहे हैं। और अभी आपने प्रतिक्रिया भी सुनी और जाना कि हालात क्या हैं। कामकाज चली जा रहा है लक्कड़ बाज़ार पर, इतना कोई खास असर नहीं हुआ है, कोई हिदायतें जारी नहीं की गई हैं, और प्रदर्शन बिल्कुल शांत माहौल रहा, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसा माहौल बिगड़ने वाली कोई बात सामने नहीं आई है, ठीक रहा, और इनके कामकाज पे भी कोई असर नहीं दिखाई दिया। आप ऐसे ही लेटेस्ट और यूनिक अपडेट के लिए बने रहें जनहितैषी के साथ। कैमरामैन हरजीत के साथ मैं शिवांगी, अब वक्त हो चला है विदा लेने का, हमें दे इजाज़त।